नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं जेके न्यूज पॉइंट लाइव। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि जिस तरह से सब जानते हैं कि आज डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का जम्मू कश्मीर का दौरा है और राजनाथ सिंह द्रास में पहुंच चुके हैं। कारगिल शहीदी दिवस जहां पर आज मनाया जा रहा था, वहां पर वो पहुंच चुके हैं, जहां पर उन्होंने आज शहीदों को श्रद्धांजलि दी। और आपको ये भी बता दें कि विजिटर बुक में आज बहुत अच्छा संदेश जो है वो राजनाथ सिंह ने लिखा है। उन्होंने लिखा कि हमारे देश के जवान जो है वो हमारे लिए हर वक्त डटे रहते हैं और हमारे लिए उन्होंने अपने प्राणों तक की आहुति दे दी। और साफ तौर पर उन्होंने अपने अक्षरों में ये लिखा है, क्योंकि विजिटर बुक में उन्हें लिखने के लिए कहा गया, जहां पर उन्होंने लिखा कि हमारे भारतीय सेना के जवान जाबाज हैं और वो अपने बलिदान के लिए हमेशा से ही तैयार रहते हैं। और ये भी साथ में लिखा कि हम अपने जवानों के बलिदान को हमेशा एक इतिहास में याद रखेंगे, वो हमेशा इतिहास में अमर रहेंगे। वो अपने जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम जो है वो लिखा जाएगा। लेकिन बहुत ही अच्छा संदेश जो है वो राजनाथ सिंह ने आज शहीद जवानों के लिए छोड़ा है, बहुत ही काबिले तारीफ, क्योंकि जवान हमारे देश की सेवा के लिए अपनी जिंदगी तो क्या अपना सब कुछ नौछावर कर देते हैं, क्योंकि वो किसी भी पल ये नहीं सोचते कि हमें अपने घर जाना है या अपने परिवार से मिलना है। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ अपने भारत माता की रक्षा करना सबसे बड़ा कर्तव्य माना जाता है और उनके शौर्य की गाथाएं जो हैं वो पूरे भारत में गाई जाती हैं। पूरे भारत में ही क्या, पूरे दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में, पूरे इस दुनिया में उनकी शौर्य की गाथाएं जो है वो गाई जाती हैं, क्योंकि भारतीय सेना के जवान अपनी जांबाजी जिंदा दिली के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि हमारे जवानों में वो हौसला है जो दुश्मन को नाकों चने चबाने के लिए हर वक्त तैयार रहता है और दुश्मन हमारे जवानों के नाम सुनते ही डर जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा संदेश जो है वो राजनाथ सिंह ने आज छोड़ा है और काबिले तारीफ, क्योंकि लगातार आज जो श्रद्धांजलि समारोह वहां पर चल रहा था और श्रद्धांजलि वहां अर्पित की गई और साथ ही साथ एक संदेश भी जो था वो छोड़ा गया। फिलहाल देखते रहिए जेके न्यूज पॉइंट लाइव।